कराची मौसम की सूरत हाल चीफ में डॉक्टर सरदार सरफराज, कराची शहर में मगरबी सिस्टम के असरात, कराची समेत सिंध गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। इस वक्त शहर में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से गर्द आलूद हवा चल रही है। चीफ मीट कराची हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफे का इम्कान है। चीफ मीट डॉक्टर सरदार सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पापोश नगर का एरिया है, 52/Roy, ये कराची सेकेंडरी स्कूल। ये कराची सेकेंडरी की वो दीवार है और ये तेज हवा चली है, तो ये दरख जो गिरा है ये दीवार के अंदर ही था, गली टाइप की जा रही थी और ये दरख गिरा है। ये दरख गिरने के बाद अब ये देखिए पूरी रोड को मुतासर किया हुआ है इसने, और यहाँ बिजली की तारें भी गिरी पड़ी हुई हैं। बिजली की तारों का सिलसिला देखिए, और आगे जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है इसके अंदर। पहले मोहल्ला भी खड़ा होकर देख रहा है और हर बंदा लगा पड़ा हुआ है अपनी एक वीडियोज़ बनाने के अंदर। ये बिजली के तार हैं और बिजली के तार के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है ये देखें। मैं दिखाता चलूँ आपको कि ये एक गाड़ी है, गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं इसके अंदर। ये गाड़ी के शीशे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वही टूटा है। ये देखें बैक से, और ये मैं फ्रंट से भी दिखाऊँ आपको, ये सारे शीशे इसके अंदर टूटे हैं और ये बिजली की तारें भी टूटी पड़ी हुई है इसके अंदर। ये कराची सेकेंडरी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल की ये गली है, इस गली के अंदर ये दरख्त है और दरख्त जब गिरा है रोड पे तो रोड बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। ये रोड सीधी यहाँ से गोल मार्केट को निकलती है, मक्की मस्जिद वाली साइडों पर निकलती है, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और नाज़रीन ये देखिए के इलेक्ट्रिक का यहाँ पर गाड़ी मौजूद है, के इलेक्ट्रिक यहाँ आ चुकी है और के इलेक्ट्रिक जो बिजली की तारें गिरी हैं अपने फ़राइज अंजाम देते हुए यहाँ पर बिजली की तारें जो गिरी हैं और बिजली की तारों को सही करने के इलेक्ट्रिक कर्मला यहाँ मौजूद है। अपनी मेहनत और जद्दोजहद में काम में मसरूफ़ है ताकि जल्द से जल्द इस इलाके की बिजली को बहाल किया जाए।